हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम की आदिवासी। आज इतनी इतनी खुशी का दिन है कि जो बोले नहीं रुक सकता। मतलब जो काम कहते हैं ना, इस दुनिया में आज की तारीख में जो हमारी पब्लिक ने, जनता जनार्दन ने जो तमाचा मारा है, वो बखूबी बहुत ही अच्छा मारा है। देखिए, जीत के आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन एकदम घीच पचीट के जीत के आना अलग है, और लोगों के दिल से, लोगों ने अपने दिल से जिनको जीता है वो बड़ी बात है। मैं सच बोलूँ और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्योंकि मैं कामयाब हो गई यूपी की 80% सीट तोड़ने में, और 80% सीट कौन लेके गए? अखिलेश यादव जी लेके गए। बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी। 42 80 में से 42 सीटें वो लेके चले गए। राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि यूपी के से ही दिल्ली का रास्ता खुलता है। अभी भी देखे फेरबदल हो सकता है, क्योंकि अभी तो वोटिंग चालू है, और अभी तो कहते हैं ना महायुक्ति, मतलब मिली जुली सरकार बनेगी, जिस मिली जुली सरकार में कुछ भी हो सकता है। देखिए, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, कहते हैं यहाँ का पासा वहाँ पलटी हो सकता है, वहाँ का पासा यहाँ पलटी हो सकता है। अभी तो कुछ रिजल्ट आया नहीं है, तो लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि जैसे मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी जीते हैं, आपको पता है हम सबसे ज़्यादा खुश कैसे, पब्लिक सबका छोड़ो, विद्या देवी क्यों खुश है मालूम है? मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे को हर किसी ने नीचा दिखाने की कोशिश की, मेरे भाई को लोगों ने गद्दारी किया, उन्हीं के पिताजी से राजनीति सीख के उन्हें गद्दारी किया, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। कहते हैं ना पॉलिटिक्स पूरे हाथ में थे, हाई कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट कमीशन ने भी सामने वाले के फेवर में फैसला सुना दिया, लेकिन जनता जनार्दन ने, हमारी जनता ने जिस तरह से उनको जिताया है, काबिले तारीफ है। मतलब कसम से बोल रही हूँ, जनता ने बताया है कि महाराष्ट्र का राजा कौन? ओनली वन, उद्धव बाला साहब ठाकरे। कहते हैं ना हमेशा मुँह की लाली उसी के चमकती है, राजा राजा होता है, प्रजा प्रजा होती है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मुझे आज अपनी पढ़ाई पे नाज है, मुझे अपनी पूजा पाठ पे नाज है कि मैंने ये कर दिखाया। मैंने वादा किया था ना राजस्थान में बैठ के कि यूपी के 80% सीट तोड़ूंगी, एक भी सीट नहीं मिलने दूंगी। नहीं मिली, जहाँ से गढ़ था वहीं से मिला, नहीं तो हर जगह से तो बहुत बुरी तरीके, और अभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी भी कहते हैं ना, अभी तो ये मतलब दोनों आंकड़े बराबर में आए हैं, बहुमत तो किसी को नहीं मिला, दोनों एकदम मतलब डंके की चोट पे आए हैं। अभी कोई कुछ भी कहे वो अलग बात है, लेकिन मिली जुली सरकार में ये भी हो सकता है कि सामने जिनके पास सीटें ज़्यादा हैं वो सीटें लेके, अगर जो सीटें ज़्यादा हैं और जिनको ऑफ़र किया गया है कि नहीं मुझे लेके, अगर वो हमारे कांग्रेस के साथ, हमारे राहुल गांधी के साथ मिल गए, तो एक नई पिक्चर सामने आ सकती है। ऐसी बात है, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है। 240 तक तो हैं, मुश्किल से मेरे ख्याल से 30-35 की ज़रूरत है, और 30-35 की ज़रूरत अगर हो गई तो शायद हमारी कांग्रेस की सरकार बन भी जाएगी, और बन सकती है क्या? मैं तो पूरे आँख से बोलती हूँ बन जाए तो अच्छी बात है। मैं तो अपने मस्तान बाबा से यही मना रही हूँ कि अभी एक और जीत बाकी है, जीत कर दो। लेकिन तो भी बहुत अच्छी जीत हुई है, टाके मतलब टक्कर की जीत हुई है। ऐसी बात है, मतलब ये बात तो है कि मुँह की लाली तो भगवान ने मेरी ऐसी रखी है कि भले आज उन लोगों में जश्न का माहौल होगा, एक तरह से अगर सरकार भी बनी तो जश्न का माहौल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुँह उतरा होगा, क्योंकि मेन यूपी से महाराष्ट्र से राजस्थान से सब जगह से ऐसी बुरी तरीके से जो दिखाया है लोगों ने, पब्लिक ने जो अपना रिएक्शन दिखाया है, वो काबिले तारीफ है। परसों है शनि जयंती, मैंने कहा था ना ये शनि जयंती है, ये पूरा साल शनि भगवान का है। इस साल के हमारे जो साल के मतलब कहते हैं ना पूरे साल के दिन के होते हैं ना, कि कहते हैं 2024 के जो करता धरता है वो भगवान शनि है, वो हमारे मंत्री हैं, और वो हर किसी के किए का उसको पूरा पूरा फैसला देंगे। तो मुझे बात पूरा भरोसा है कि अभी तो फैसला डिक्लेयर नहीं हुआ है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। मैं तो बस यही चाहूँगी कि जैसे एक खुशी दिया मेरे मस्तान बाबा ने, एक और खुशी दे दे कि जिस तरह से हमारे राहुल गांधी जी इतने आगे तक आए, बस थोड़ी सी और खींचतान करके बस, क्योंकि अभी असली रुझान नहीं दिखा रहे। 2:30 बजे तक जो पक्का था उसी पे बोल दिया कि फैसला आ गया, जो कि अभी भी वोटिंग चालू है, काउंटिंग चालू है, लेकिन नहीं दिखा रहे। अगर दिखा दें और अगर असली सही खेल खेले तो उन्हें भी पता है कि जीता कौन है। बहुत अच्छी तरीके से परसों है शनि अमावस्या, परसों के दिन जो मारण क्रिया हो सकता है वो साल में, चाहे आप होली को करवाओ, दिवाली को करवाओ, नहीं होता है, क्योंकि ये दिन बहुत बड़ा है।
और इस दिन मेरे पास जो शैतान हाजिर हुआ है वो शैतान अपना असली रूप मुझे दिखाएगा। और उस असली रूप में इंसान कुछ भी पा सकता है, एक बहुत अच्छी खूबसूरती पा सकता है, कामाख्या वशीकरण पा सकता है, इस दुनिया का विश्व सुंदरी युवक आ सकता है, एक पावर पा सकता है। इस दुनिया का कहते हैं अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा पोजीशन होता है पावर, पैसा, पोजीशन, वो पा सकता है। और दुश्मनों को आप में सिर्फ पैसे की ताकत दिखाओ, आपके दुश्मनों अगर आज आप काम चालू करेंगे तो गारंटी कहती हूँ कि परसों शाम को पूजा होने के बाद 7 तारीख को आपको मैसेज आ जाएगा कि सामने वाला चाहे आपका दुश्मन हो चाहे को जो चाहो ऊपर जा सकता है। और 7 तारीख को एक और नतीजा आएगा, अभी तो ये जीत हुई है, अभी तो एक बहुत बड़ी जीत होने बाकी है, अभी तो किसी ऐसे बड़े इंसान के मौत की खबर आएगी ना जिससे पूरा देश हिल जाएगा, ऐसी बात है। लेकिन ये होगा ज़रूर, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। एक्चुअली सच बोलूँ ना, 400 पार संविधान बदलने की बात कर रहे थे, जिस संविधान को लाने के लिए हमारे बाबा साहब आम्बेडकर जी ने, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इतने संघर्ष लड़े, हाँ, जो कहते हैं ना दलित समाजों को इज्जत दिलवाई, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की गई और उन्हीं दलितों ने कर दिखाया। हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी इतने बड़े बहुमत से जीते हैं ना, बाप रे बाप, 50-60 हज़ार बहुमत ज़्यादा चले गए, इतनी अच्छे से इतनी कामयाबी से जीते हैं, वो बहुत काबिले तारीफ़ है। अगर आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे तो ये बात याद रखना कि ज़मीन को पकड़ के चलने वाला इंसान ही इंसान होता है। अरे मैंने कहा था ना 400 पार छोड़ो, उसके आगे तक तो जाके दिखाओ, हमारे देश की जनता ने दिखा दिया कि आप तो भाई भगवान बनने आ गए सब लोग, इतना आपके अंदर घमंड आ गया कि हमारे बाबा साहब आम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी से, पहले हमारे बाला साहब ठाकरे जी से बराबरी करने की कोशिश की, उसके बाद इतना घमंड आ गया कि बाबा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का संविधान बदलने चले, और आपको लगता ही हो सकता था, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो लोग दिल से बाबा साहब आम्बेडकर जी को मानते हैं ना, जो जय भीम का नारा लगाते हैं ना, वो कभी उनका किया हुआ नहीं भूलेंगे। और उनका संविधान बदलने की बात, बदलना तो छोड़ो, तुम्हारे सोचने पे लोगों ने तमाचा लगा दिया खींच के, अभी तो थोड़ा सा बाकी है, मज़ा तो देखो क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। और होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ वोटिंग का फैसला आया है, अभी प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो फैसला तो वो लोग जब गठबंधन करेंगे तब पता चलेगा, तब तक तो मैं सैलानी पहुंच चुकी रहूँगी और मैं अपना खेल खेल चुकी रहूँगी। क्या भरोसा मेरे मस्तान बाबा ये भी खुशखबरी दे दें कि हमारे 2024 के माननीय प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बने या कोई भी बने। मुझे तो जहाँ तक शंका है कि हमारे राहुल गांधी जी अपनी जगह पर किसी और को खड़ा करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी सरकार लानी है, हो सकता है वो किसी नए चेहरे को मौका दे दें, ये होगा ज़रूर, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है उनको ये पद लेने का कोई शौक़ नहीं है, उन्हें सिर्फ सरकार लानी थी। पद पे तो कोई नया चेहरा ही दिखाई देगा, अगर गलती से ये चीज़ें आ गई तो बात तो पक्की है कि शपथ तो कोई और ही लेते दिखाई देगा, ऐसी बात है। लेकिन थैंक यू सो मच भगवान, जहाँ मेरे उद्धव वाला साहब ठाकरे को हर किसी ने अपनी औकात दिखाई, हर किसी ने आग दिखाया, हर किसी ने ये बोला अरे इसे तो कुछ आता ही नहीं है, इसे तो कुछ, उस इंसान को उनके पब्लिक के प्यार ने, हम बहनों ने, हमारे पब्लिक के प्यार ने उन्हें जिता के दिखाया, ये आईना दिखाया है कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बेटा बाप के अंदर से ही निकलता है, ये बात लोगों को याद रखनी चाहिए। ये बहुत बड़ी जीत है मेरी, बहुत बड़ी जीत है, मतलब आज मैं समझती हूँ कि आज मेरी पढ़ाई, मेरा पूजा पाठ काम आ गया, निस्वार्थ मन से की गई पूजा ना बहुत बड़ी होती है। और थैंक यू सो मच भगवान मेरा साथ देने के लिए। और आप लोग को भी यही कहूँगी, दुनिया में पावर, पैसा, पोजीशन चाहिए ना, शक्ति बहुत ज़रूरी है। मेरे सुल्तान ने जो करके दिखाया ना कोई नहीं कर सकता, आपको भी कहा है सुल्तान लो, सुल्तान जिनकी शक्ति एक ऐसी पावर है, या तो शैतान लो जो परसों साक्षात्कार दर्शन देने वाला है, और परसों जब वो दर्शन देगा तो मुझे पता है क्या होने वाला है, क्योंकि आने वाले 10 दिन में हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम डिक्लेयर होगा, तुरंत थोड़ी होगा, तो 10 दिन में तो कुछ भी खेला हो सकता है, मज़ा तो देखो क्या होगा। जब यहाँ तक जीत कर आई हूँ तो आगे भी जीतूँगी, और ये बात पक्की है कि जीत तो बड़ी शानदार होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।